नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजप्रीत और स्वागत है आपके अपनी चैनल विपुल एजुकेशन पर। दोस्तों, आरबीएससी बोर्ड कक्षा 5 हिंदी का जो व्याकरण के टॉपिक चल रहे थे, इसके अंदर आज हम टॉपिक करेंगे टॉपिक नंबर 8 प्रत्यय। इससे पहले जो 7 टॉपिक हैं वो हमने करवा दिया। आपने नहीं देखे तो इसके वीडियो के आई बटन में आपको उन वीडियो के लिंक मिल लेंगे, या आप हमारी जो प्लेलिस्ट है आरबीएससी बोर्ड क्लास 5, वहाँ पर उन वीडियो के लिंक मिलेंगे। आप जाकर वहाँ पर उस प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी दबाइए, वीडियो कर दिया अभी से लाइक शेयर और कमेंट। चलिए शुरू कर दिया आज का वीडियो। तो देखो, पहला क्वेश्चन है आज का, प्रत्यय किसे कहते हैं। तो देखो, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है या नए शब्द का निर्माण करता है उसे प्रत्यय कहते हैं। यानी ऐसा शब्दांश, शब्दांश का अर्थ देखो, अब शब्दांश का अर्थ क्या होता है दोस्तों, शब्दांश यानी शब्द का अंश, यानी शब्दांश शब्द का अंश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है उसे ही हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे शब्द है समाज, इसके अंत में हम अगर इक जोड़े तो शब्द नया बनेगा सामाजिक। अब देखो, ये जो इक प्रत्यय है ये इसके अंत में जुड़कर इस समाज शब्द में परिवर्तन कर देते हैं, तो यही क्या कहलाता है दोस्तों, ये जो इक प्रत्यय है ये आपका प्रत्यय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाओ बनाओ आता दार ना इन आन आई इला आवट। तो देखो, आता से बना मानवता, इसको आप पशुता भी बना सकते हो, दानवता भी बना सकते हो, ता जोड़कर देवता भी बना सकते हो, दार जोड़कर ईमानदार है, और आप जैसे कोई और आपको दार वाला शब्द मिले, जैसे कोई भी है खुददार है वैसे, और आना लास्ट में ना सजाना बिगाड़ना, इन है रंगीन शौकीन, उड़ान उड़ान आन प्रत्यय लगाकर आप भी कोई भी शब्द बना सकते हो, लिखाई छपाई इला रंगीला छबीला, आवट है लिखावट है घबराहट है डरावट है चिकना चिकना लिखावट है डरावट है, इस प्रकार आप बना सकते हो घबराहट है। निम्न शब्दों में से प्रत्यय छांटिए। अब देखो, ऊपर क्या है घुमक्कड़ है, तो इसमें क्या है दोस्तों, अक्कड़ प्रत्यय होगा, लास्ट का शब्द जो है ना अक्कड़। कमाऊ है तो इसमें ऊ प्रत्यय होगा, झगड़ालू में आलू प्रत्यय होगा, तैराक में आग प्रत्यय होगा, खिलाड़ी में आड़ी प्रत्यय होगा, और संपूर्ण में पूर्ण प्रत्यय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दार बाज घर प्रत्यय लगाकर दो दो शब्द बनाए। तो दार से एक तो बनेगा जमींदार दुकानदार, बाज से बनेगा दगाबाज धोखेबाज, घर से बनेगा बाजीगर कारीगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज प्लस एक से सामाजिक बने, इसी तरह एक प्रत्यय जोड़कर चार शब्द बनाने। तो देखो, इतिहास प्लस एक ऐतिहासिक, पुराण प्लस पौराणिक, परिवार प्लस पारिवारिक, लोक प्लस एक लौकिक, ये चार शब्द बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला प्लस बाज कलावाज बने, इसी तरह बाज प्रत्यय जोड़कर चार शब्द बनाओ। तो क्या होगा, धोखा प्लस बाज धोखेबाज, निशाना प्लस बाज निशानेबाज, दगा प्लस बाज दगाबाज, पतंग प्लस बाज पतंगबाज बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुकान प्लस से दार बनाए तो दार शब्द और बनाओ, जमीन प्लस दार जमींदार, शान प्लस दार शानदार, ईमान प्लस दार ईमानदार, और जिम्मे प्लस दार जिम्मेदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सज्जन प्लस तार से सज्जनता बना है तो मानव प्लस तार से मानवता, लघु प्लस तार से लघुता, मित्र प्लस तार से मित्रता, और दुष्ट प्लस तार से दुष्टता बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीरता प्लस पूर्ण से वीरतापूर्ण बनाए तो पूर्ण बना बनाओ, मित्रता प्लस पूर्ण मित्रतापूर्ण, कायरता प्लस पूर्ण कायरतापूर्ण, उत्साह प्लस पूर्ण उत्साहपूर्ण, सम प्लस पूर्ण संपूर्ण। लास्ट है, नाटक प्लस कार से नाटककार बनाए तो कार बन गया बनाओ, कहानी प्लस कार कहानीकार, कला पुरस्कार कलाकार, पत्र पुरस्कार पत्रकार, उपन्यास पुरस्कार उपन्यासकार। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये प्रत्येक का वीडियो पसंद आए, आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत, घर रहना स्वस्थ रहना।